सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्खे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज मैं आपको शारीरिक कमजोरी यानी कि वीकनेस को दूर करने का रामबाण घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, शरीर में पोषक तत्वों की कमी, चिंता और भय, ठीक तरीके से भोजन ना करना, मल मूत्र को रोके रखना, दस्त, उल्टी, भूख कम लगना आदि कारणों से शारीरिक कमजोरी हो सकती है। दोस्तों, जिन लोगों के अंदर कमजोरी के लक्षण दिखते हैं, उन्हें थकान, चक्कर आना, किसी काम में मन ना लगना, किसी काम के लिए ऊर्जा ना जुटा पाना आदि समस्याएं महसूस होती हैं। ऐसी अवस्था में शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति सामान्य कार्य को भी करने में असमर्थ रहता है। जिस कार्य को अन्य लोग पूरे दिन में बिना किसी दिक्कत व परेशानी के कर लेते हैं, वही शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति उन कार्य को करने में असमर्थ रहता है। दोस्तों, अगर आप शारीरिक कमजोरी के कारण बहुत परेशान हो चुके हैं और थकान, चक्कर और कमजोरी की समस्या से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए अतिरिक्त पोषक तत्वों व ग्लूकोज की आवश्यकता होगी। दोस्तों, कुछ घरेलू उपायों का प्रयोग करके आप शारीरिक कमजोरी को दूर कर सकते हैं, जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप शारीरिक कमजोरी से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको रोजाना रात में दो बादाम, जी हाँ दोस्तों, आपको रोजाना दो बादाम आपको ले लेना है, और दोस्तों आपको 10 किशमिश और 5 अंजीर ले लेना है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे अंजीर ले लिया है। दोस्तों, अंजीर आपको कुछ इस तरीके से लगेगा। दोस्तों, आप मार्केट से अंजीर बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। आपको दोस्तों 5 अंजीर ले लेना है, और आपको दोस्तों करीब 2 से 3 बादाम ले लेने हैं, और किशमिश दोस्तों आपको 10 ले लेना है। यानी कि दोस्तों आपको 5 अंजीर, 2 से 3 बादाम और 10 किशमिश ले लेना है। अब दोस्तों आपको इसे रात में भिगो देना है। भिगोने के बाद दोस्तों जब आप सुबह उठेंगे, तो आपको ये कुछ इस तरीके से लगेगा। इस तरीके से दोस्तों आपको ये कुछ लगेगा। ये दोस्तों अंजीर, ये आपका ये किशमिश, और दोस्तों बादाम को आपको छील लेना है। तो दोस्तों आप बादाम छील लीजिएगा। इस तरीके से दोस्तों आप इसे ले लीजिएगा, और फिर उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिस पानी में आप इसे भिगोए रहेंगे, उस पानी को आपको फेंकना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उस पानी को आपको फेंकना नहीं है। ये पानी दोस्तों, ये ऐसे, ये पानी आपको फेंकना नहीं है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसका प्रयोग बता देता हूँ, इसके सेवन करने की विधि बता देता हूँ, जिससे आपकी शारीरिक कमजोरी कुछ ही महीनों में बिल्कुल से चली जाएगी। दोस्तों, अब आपको सुबह उठ करके इसका सेवन करना है। दोस्तों, सेवन करने के बाद आपको इस पानी को पी लेना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस पानी को आपको फेंकना नहीं है। इस पानी को आपको सेवन करने के बाद, अंजीर, बादाम और किशमिश का सेवन करने के बाद आपको इस पानी को पी लेना है। दोस्तों, अगर आप कहीं बाहर काम पर जाते हैं, तो फिर आप हमेशा अपने साथ भुना हुआ बादाम रख सकते हैं। जब भी आपको थकान या कमजोरी महसूस हो, तो आप एक बादाम का सेवन करके एनर्जी वापस पा सकते हैं। दोस्तों, यह घरेलू नुस्खा बिना किसी परेशानी के आपको नेचुरल तरीके से एनर्जी देगा। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है शारीरिक कमजोरी को कुछ ही महीनों में दूर करने का। दोस्तों, आपको चाहे कमजोरी किसी भी तरीके की हो, चाहे जिस भी कारण से आपको कमजोरी हो, वो कमजोरी आपकी दूर हो जाएगी इस घरेलू नुस्खे के सेवन से। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आज की टिप्स भी बता देता हूँ। बादाम में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए इसका सेवन करने वाले लोगों में कभी भी ऊर्जा की कमी नहीं होती है। देसी खजूर खाने से भी शरीर में ताकत आती है। खजूर के बीज निकालकर मक्खन के साथ इसका सेवन करने से आप अपने शरीर में भरपूर एनर्जी और स्टेमिना महसूस करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसे ही नए नए घरेलू नुस्खे लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे कल एक और नए घरेलू नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।